याद कर 600 साल पहले तू नर्तकी है, तू भांड है, हाँ, और तू गधे की टक लिया, तेरा काम टक लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंदर। मैं हूं सुनील। और दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है हाउसफुल 4 का ट्रेलर। और ये जो हाउसफुल के पुरानी सीरीज थी बहुत ही कॉमेडी से भरपूर थी, और इसकी पहली मूवी भी बहुत अच्छी थी। यानी 1, 2, 3 सारी कॉमेडी से भरपूर हैं। और इस बार भी शायद देखो हाउसफुल 4 बन रही है तो कुछ डिफरेंट आ सकता है इसमें। और इतना तो है कि कॉमेडी से भरपूर होगी। और हाउसफुल में मेनली अक्षय कुमार तो हमें मिलते ही मिलते हैं। अक्षय कुमार मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कॉमेडी की बात तो होनी होनी है। अभी देखते हैं कि इस बार की हाउसफुल में एंट्री और किसकी आई है इस बार। तो आइए देखते हैं इस ट्रेलर को। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है, मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। और लगता है मेरी तब भी लगी थी ये तो और अब भी लगेगी। हैरी, लंदन, तुझे कैसे पता? I don't know. महाराज की। तीनों राजकुमारियों का स्वयंवर किया जाएगा। बांधवगढ़ राज्य से पधार रहे हैं। ये क्या लुक है अक्षय कुमार का? ओह माय गॉड। किस मुंह से धन्यवाद करूं आपका? इसी मुंह से कर दीजिए। ओह माय गॉड। वाह बांगड़ू महाराज, वाह। फूलो फलो, अरे फूलो फलो। अरे कोने में तो चलो। सितमगढ़ का शाही कवच है वो। भाई तेरे वाला लुक बहुत देवल का। आज हम अपनी शाही तलवार नहीं लाए हैं। लाए हैं? कहाँ है? मुझे सब याद दिलाती है ताकि मैं सबको अपना असली प्यार याद दिला सकूं। दिवाली पे बेबी हमारा पुनर्जन्म हुआ है, टुकड़े टुकड़े कर दिए। कल मेरी बहन से शादी कर रहे हो, आज मुझे किस करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा तो पुनर्जन्म हुआ है। मेरा पूना में ही जन्म हुआ है। पूना नहीं, पुनर्जन्म हुआ है। तू मेरा पति, मैं तेरी पत्नी, और तू मेरी मांग, नहीं तो चीर दूंगी तेरी टांग। किवाड़ को बंद करिए। पूर्णजन्म मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। मैं समझाऊंगा, हमेशा तू समझाता है। इसकी बीवी जो है ना वो इसकी बीवी नहीं है, वो मेरी बीवी है। और मेरी बीवी नहीं है, वो इसकी बीवी है और हम दोनों की भाभी। और जो तेरी बीवी है ना वो तेरी बीवी नहीं है, वो मेरी बीवी है। हम अपनी बीवियों से शादी कर रहे हैं या अपनी भाभियों से? कभी कभी लगता है कि क्या पुलिस भगवान है। याद कर 600 साल पहले तू नर्तकी है, तू भांड है, हाँ, और तू गधे की। भाई साहब ये तो सॉलिड है भाई। लास्ट वाला पंच तो आई था एंड में। याद कर, याद कर, तू भांड है, तू गधे की। आई था तगड़ा ट्रेलर है, कॉमेडी भाई भरी हुई है इस मूवी में। भाई एक चीज तो पता लग गई कि इस बार तो हसस का लोटपुट होने वाली बात हो गई है।
ठीक है भाई, इतना हंसे ट्रेलर देख के, तो मुझे उम्मीद है भाई कि पूरी मूवी में भी इतनी हंसी वाली बात आनी है। बाकी ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की जो शुरुआत है, अक्षय कुमार जी लंदन में होते हैं और उनको लगता है, उनको याद आता है कि वो 600 साल पुराना प्यार, पुराने राजा महाराजाओं वाली चीज़ें याद आती हैं, जिसमें उन्हें प्यार होता है राजकुमारी से, स्वयंवर चल रहा होता है और रितेश देशमुख एक नृत्यकी के रूप में दिखाए गए हैं। और वो बड़ा सही डायलॉग लगा मेरे को जो उस पे था, गंजे पप्पन पे, ओए टकलिया बाप टकलिया भाई क्या मरता वाला क्या सही है तो, और उसके बाद भाई वो वाला वो भी सही था कि आपका ये शुक्रिया अदा हम किस मुंह से करें, इसी मुंह से कर दो भाई, एक एक पंच ऐसा ढूंढ ढूंढ के लाया है ना कि हाँ लग रहा है कि भाई थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया भी ढूंढा इसने वो इस बार एंट्री जो हुई है थोड़ा सा डिफरेंट लिया इन्होंने, बॉबी देओल जी को इंक्लूड किया है कि इस वाली हाउसफुल मूवी में, क्योंकि अभी तक की हाउसफुल में अक्षय कुमार तो हर में रहे हैं और बॉबी देओल ने इस बार नई एंट्री मारी है। थोड़ा सा बॉबी देओल का जो रोल दिखाया गया, एक सेनापति जैसा दिखाया गया कि वो बहुत ही मतलब सॉलिड वाला रोल दिखाया, बहुत सॉलिड वाला रोल दिखाया, यानी ब्रेव मैन जैसे। और जो नए वाली मूवी है, मतलब नया वाला पार्ट है मूवी का, उसमें थोड़ा सा अलग दिखाया है, मतलब तीनों का वो अलग अलग शादी हो रही है, कहाँ से भाभियों से हो रही है भाई शादी, पुनर्जन्म में आ जाता है कि तेरी वाली नहीं हाँ। इसकी वाली तेरी नहीं है, तेरी वाली इसकी नहीं है, मेरी वाली मेरी नहीं है, अरे तो भाई किसकी वाली से शादी कर रहे हैं हम भाभियों से शादी कर रहे हैं, तो भाई है चीज़ें इस बार थोड़ा सा डिफरेंट लुक डिफरेंट लिया है इन्होंने, और थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाते हुए, यानी 600 साल पुरानी हिस्ट्री दिखाते हुए, थोड़ा फाइट सीन भी दिख रहा है इसमें, एक स्टोरी जनरेट करी जा रही है, क्योंकि जो इन्होंने स्टोरी दिखाई है 600 साल पुरानी, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक हिस्ट्री भी दिखाएंगे और साथ के साथ करंट भी दिखाएंगे। और जैसे लंदन वाले में थोड़ा वो दाढ़ी वाला लुक है उसका, अक्षय कुमार का थोड़ा ओल्ड वाला लुक है और बीच में यंग वाला लुक हाँ, भी है, वो तो जैसे वो तो जैसे याद आता है ना, तो उसको याद आया कि हाँ, लेकिन उसमें याद आने के बाद फिर जवानी दिखाई है कि हाँ भाई वो तेरी वाली नहीं मेरी वाली नहीं, तो और वो बहुत सही डायलॉग मारा, बिल्कुल एक्सप्रेशन देखा तो अक्षय कुमार के, यू हाउ यू नो दैट बाकी ओवरऑल तो देखे यार बहुत कॉमेडी वाली मूवी जाने वाली है ये, और जिस हिसाब से ट्रेलर था उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि हाँ मूवी इस बार बहुत अच्छी आने वाली है ये, और सबसे अच्छा डायलॉग तो भाई हमें भी और आपको भी लास्ट वाला पंच लगा हुआ भाई अरे तू तू नहीं है, तू है भांड, तू देखी यार तो समझ ही जाओगे, तो बहुत ही सही ट्रेलर बना है और बहुत ही कॉमेडी वाली मूवी होने वाली है ये, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, आपसे हमारी कोई भी वीडियो छूटनी नहीं चाहिए। और इस वीडियो में देखो भाई साहब दोस्तों आपको दिखा होगा कि काफ़ी सारा कॉमेडी सीन है, और इस बार इस मूवी में नया एंट्री जो मारी है बॉबी देओल ने मारी है, तो बॉबी देओल भी देखो कॉमेडी में तो इतने दिखे नहीं, लेकिन बाकी मूवी में कितनी कॉमेडी है वो तो मूवी देख के पता लगेगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें पता लगे आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और मिलते हैं अगले रिएक्शन में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।